हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी दीन इस्लाम की बका साबित हुई। आप करबला में कैदी बने लेकिन दीन इस्लाम को जुल्म से आज़ाद कराया। रिवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 5 शाबान भी है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। फरजंदे मक्का और मीना जमजम सफ़ा अली का अली पोता फातमा जहरा के सजदों का समर सैयद साजदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन 15 जमादिस्तानी 37 हिजरी को नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर आप अलैहिस्सलाम ने आँख खोली। रिवायत है कि जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते हैं इस उम्र में आपका ज्यादातर वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मनाजात में गुजरता। बचपन से आलम शबाब तक नमाज और दुआओं में ऐसे मशगूल रहे कि अहले मदीना आपको सैयद साजदीन और ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे। आप अलैहिस्सलाम वारिस मिंबर सलूनी थे। कुरान की तालीम और तदवीन में आप अलैहिस्सलाम दादा अली मुर्तज़ा के नक्शे कदम पर चले। किसी आयत या इसके नुक्ते वक्त नुजूल और सबब नुजूल पर आप अलैहिस्सलाम को सनद माना जाता। मौरका करबला में आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। एजाज खुदाबंदी के बायस आप रोज़े आशूर शदीद अलील हुए। आपने इमामत संभाली तो हाथ में जंजीर और पैर में बेड़ी पाई। कूफे और शाम में असीरी बर्दाश्त की। रिहाई के बाद आपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी व अमली दिफा किया। वाक़े हर्रा तवाबीन और अमीर मुख्तार के कयाम का जमाना देखा। 95 हिजरी में आपको उमवी हाकिम वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर से शहीद किया।